सर्कुलेटरी सिस्टम में खून, खून की नसें और दिल शामिल होता है। दिल या हृदय पूरे शरीर में खून पहुंचाने वाले मुख्य अंग का काम करता है। दिल मजबूत कार्डियक मसल्स का बना होता है। दिल खून पंप करता है। ये एक तंतु है जो अपने साथ साथ पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस पहुंचाता है। दाईं ओर वाले अपर एट्रियम में पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो यहां से नीचे बने राइट वेंट्रिकल में जाता है और खून को ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों में भेज देता है। ऑक्सीजनेशन के बाद खून पल्मोनरी वेन से होता हुआ आगे बढ़ता है और अपर लेफ्ट चेंबर में पहुंचता है, यानी लेफ्ट एट्रियम में, और यहां से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। यहां से वो आउटा में पंप होता है, जहां से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाने के लिए कई आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज बेहद महीन कैपिलरीज में बंट जाती हैं, जहां पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कैपिलरीज ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए जाल की तरह फैल जाती हैं। यही कैपिलरीज साथ में जुड़कर वेन्स बनाती हैं। है ना इस तंत्र की बनावट शानदार?